Hi guys, this is Gunjan. Welcome back to my channel, Gunjan Vlog. So, आज मेरी sister-in-law मतलब मेरी नंद का बर्थडे है. तो मतलब उन्हें पता नहीं है. फिर से हमने कुछ सरप्राइज प्लान किया. क्या किया है? सिर्फ प्लेट. अब देखते रहो. तो प्लानिंग हो मतलब पूरी हो चुकी है. यहाँ पे कुछ हमारे मेहमान आए हैं. थोड़ा हमें उत्साह देने के लिए हमारा मेरा भ्राता श्री मामा का लड़का मिट्टू. आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? ये बीटेक कर दे पाए हैं. इनका सपना है कनाडा में जाने का. हम आशा करते हैं जल्दी जाओ और हमें वहाँ से टोरंटो कनाडा. ओके ओके. तो इधर हमारी बहना भी आई हैं. थोड़ा मुस्कान भक्ति. इनकी शादी होने वाली है जल्दी. तो आप भी अपने कुछ बारे में बताना चाहेंगे? तो हमारे स्पेशल गेस्ट आज जो बिल्कुल एकदम से आए हैं, प्रकट हो गए, जिनकी उम्मीद नहीं थी, वो थे हिमांशु जी. इनसे तो आप ही मिल चुके हैं. तो इनके बारे में आप ही बोल दो कुछ दो शब्द. तुम कुछ कहना चाहोगे? नहीं. इनके बारे में तारीफों के हम पुल नहीं बांध सकते. ये अपने आप ही ऐसे हैं. ठीक है. तो हमारी दृश्या, नन्नी दृश्या भागते हुए. ये हमारी सासू माँ हैं. मदर इन लो बहुत कमजोर होगी हमारे आगे, हमें दिख रहा है. कोई बात नहीं. पापा अंदर हैं और अभी हमारी जो बर्थडे गर्ल है वो भी है नहीं, यहाँ पे बाहर गई हुई है. तो हमने सरप्राइज प्लान करा हुआ है. हमारे पापा उधर बैठे हुए हैं, वो थोड़ा शर्माते हैं. तो अभी हम यहाँ पे हमारे जो हस्बैंड है वो अभी ऑफिस कर रहे हैं. तो मैं धीरे से ही बोल पाऊंगी आगे की हम कहानी. गाइस, हमारी बर्थडे गर्ल आ गई है. वो थोड़ी शर्मा रही है. ये रहे हमारे बंदे. ब्लैकी हैप्पी बर्थडे. देख दिशा, देख फोटो दिखा, फोटो दिखा, देख सीधा, देख सीधा, देख उधर, देख 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 फिर इसके बाद लाइक कटिंग सेरेमनी, थोड़ा फोटो सेशन चला. उसके बाद नहीं, हम जैसे हम भाई बहन मिले हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है, कुछ सब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ प्लान बन जाता है. तो हमारा एकदम से प्लान बनता है, चलो हरिद्वार चलते हैं. उस टाइम 10 बज रहे थे
तो हमने 11 पापा से फ़ोन किया, पापा चले, तो पापा भी रेडी हो गए, पापा मम्मी उधर से स्टार्ट, और 11 बजे अब हम जा रहे हैं हरिद्वार। यहाँ से हम बाईपास तक अपने मतलब मेरे घर तक जाएंगे स्कूटी पे, फिर वहाँ से। और ये देख सकते हो मेरठ बिल्कुल सुनसान हो चुका है 11 बजे, ये रात के 11 बज रहे हैं। ये मिलन होते हैं। सो गाइस हम रुके हैं यहाँ पे चाय शायद पीने के लिए, मेरे हमारे लड्डू भी आए हैं, लड्डू सो रहे हैं, हमारी दृश्या सो रही है, दृश्या उठ रही है। तो अब हिमांशु बताइए, मैं बताती हूँ, पकौड़ों का बहुत स्वाद आ चुका है और चाय ठंडी हो चुकी थी, ठंडी तुम तो करी थी, हमने करी थी पकौड़े के चक्कर में, पर पनीर के पकौड़े थोड़े शुरुआत में, शुरुआत में, शुरुआत में क्या बोलती है तू? हाय गाइस, हाय गाइस, मैं गुंजन में आए क्या बोल बोल, हम यहाँ हरिद्वार जा रहे हैं, यहाँ पे शिव ढाबा पे रुके हैं, खजूर ले लूँ क्या? उससे हमने लिए पकौड़े और 10 चाय, उसका बिल बैठ गया 370। मात चाय और का स्वाद बहुत बढ़िया, 370 रुपये बिल बैठ गया आगे। बाकी उसके बाद फिर अब बस निकल रहे हैं हरिद्वार पहुँचने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ से अचार लिया था कि अचार बढ़िया लगा था हमें। हेलो गाइस, मेरठ से निकलने के बाद हम मुजफ्फरनगर से आगे शिव ढाबा पे रुके, लास्ट टाइम भी हम यहाँ रुके थे, इसका खाना बहुत टेस्टी था, तो अभी तो सिर्फ हमने चाय और पकोड़े लिए। हमें मेरठ से हरिद्वार जाने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं। तो गाइस हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं, माय लड्डू, तो अभी हम पार्किंग में हैं, वेट कर रहे हैं एक्चुअली, अब बता नहीं सकते क्या कर रहे हैं। आ गए पापा, नहीं आए ये नींद में होते हुए नींद में बोलिए नींदी हुए सारे हम। दृश्या हाय दृश्या, ये रोती रहती है, ये हमारे बंदे खड़े हैं। हम 11 बजे चले थे अराउंड, तो हरिद्वार पहुंच चुके थे 2:30-3:45 के आसपास, जबकि हम बीच में रुके थे आधा घंटा। सो वेलकम, मुझे सबसे बेस्ट लगा कि एक रात में और शांति हो चुके हैं, मुझे बिल्कुल शांत माहौल, पानी की आवाज़ आ रही है, बट ऐसा पानी की आवाज़ आ रही है, पानी का जो फ्लो होता है, लेवल होता है, वो थोड़ा कम रखते हैं। जब हम आए थे तो बिल्कुल ही कम पानी था, एंड जब वापस जा रहे थे तो पानी का बहाव बढ़ चुका था सुबह 5 बजे। और बहुत मज़ा आया, इतनी सफाई हो रखी थी, मतलब सो दर्शन करिए गंगा मैया के। अच्छा तो अब देख सकते हो रात के टाइम बहुत मतलब रश कम होता है, पानी की आवाज़ आ रही होती है, ठंडी ठंडी हवाएं, इतना आनंद आया, जय गंगे मैया। आप भी चाहो हरिद्वार में, बहुत अच्छा लगता है, आप जाओ, मतलब हमारा तो ऑलमोस्ट हर महीने में एक बार चक्कर ही लग ही जाता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलते हुए और ये लोग आते हुए, हाय लड्डू भी, हाँ ये हम पहुँच चुके हैं हर की पौड़ी। बहुत मज़ा आया, पानी बहुत ठंडा था,
इतना अच्छा लगा, सफाई इतनी हो गई है, क्या बोले, बीजेपी का कहे उसने, पहले बहुत गंदगी रहती थी बट अब इतना साफ़ सुथरा, गर्ल्स को चेंजिंग रूम दिए हुए थे जिसमें पहले नहीं होता था बट अब बहुत अच्छा हो गया है वहाँ। तो गाइस अब हम नहा चुके हैं, अब हम जा रहे हैं नोरे। रात में आओ, शांति का समय, सुबह के बज चुके हैं 5। दिस इज द व्यू सुबह 5:30 बजे का, उधर से सनराइज होता हुआ दिख। इसी के साथ हमारी ट्रिप एंड होते हुए इसके बाद हम सोते सोते वापस मेरठ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाई।